आपका स्वागत है। इससे पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि की क्या होती है, क्या उसके कितने प्रकार होते हैं। अब हम वन बाई वन सबके ड्राइंग बनाते हैं। यहाँ पर मैं आज कीज में सन की के दो पार्ट मैंने लिए हैं, एक पैरेलल सन की और दूसरा टेपर सन की। पहले मैं पैरेलल सन की यानी समांतर सन की ड्राइंग बनाना बताऊंगा आपको कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद टेपर सन की। पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ सन की क्या होती है। ये शंख की बड़ी ड्यूरेबल और स्ट्रांग होती है, यानी मजबूत और टिकाऊ होती है। और इसमें क्या होता है कि जो की होती है उसका आधा भाग जो है वो शाफ्ट में काटा जाता है और आधा भाग हब में काटा जाता है। यानी दो पार्ट को मिलाने के लिए हम दोनों ही पार्टों में आधा आधा करके स्लॉट बनाते हैं। शाफ्ट पर जो स्लॉट बनाया जाता है आधी की उसमें रहती है, दूसरा जो मशीनिंग कंपोनेंट रहता है जिसे हमने शाफ्ट पर फिट करना है उसकी आंतरिक जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं हब। वहां पर जो भाग काटा जाता है उसमें आधा भाग की का फंसता है, जाकर फिट किया जाता है। तो हम पैरेलल की जो होती है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है इसकी जो काट होती है वो आयताकार भी हो सकती है और वर्गाकार, यानी वर्गाकार और आयताकार काट के ये हो सकती है। दोनों ही की डायमेंशन मैं बताऊंगा आपको। अगर हमने जिस शाफ्ट में फिट करना है उसका डायमीटर लिया है डी, डी माने तो मैंने ले लिया इसको 20 mm। अगर हम इस किसी भी शाफ्ट का जो डायमीटर है वो डी लेते हैं, ये हम अपने साइज से मानना है कि डी हम क्या मान लें, 20 मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं, 40 मान सकते हैं। और डी के रेस्पेक्ट में हम कुंजी का निर्माण करेंगे, कुंजी को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको एक आयताकार कुंजी बना रहा हूं। तो शाफ्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम शाफ्ट का डायमीटर मान लेते हैं, डी इक्वल टू 20 mm, 30 mm ले सकते हैं, 50 mm ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी आप डायमीटर मान सकते हैं शाफ्ट का। अब सपोज ये की है तो इसमें की में आप देखिए इसकी जो क्रॉस सेक्शनल है एरिया ये हमारा आयताकार हो गया है। यहां पर ये इसकी क्या है लंबाई है, ये इसकी क्या हो जाएगी ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो इसकी जो डब्लू होता है यानी कि विड्थ होती है ये क्या हो जाएगी डी बाई फोर, और ये क्या हो गया इसका ऊंचाई h, और यहां पर h मान लेते हैं हम d बाई सिक्स, और ये इसकी लेंथ होती है, लेंथ हो जाएगी इसकी 1.5d से 2d तक। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या लिया है d इक्वल टू लिया है 20, d इक्वल टू 20 रखेंगे तो विड्थ कितनी हो जाएगी इसकी, यहां पर देखिए 5, तो 5 सेंटीमीटर या mm जो भी आप मानेंगे, मैंने यहां पर mm लिया है तो यहां पर मैंने 5 mm आ गया। तो 5 mm में क्या है आपका विड्थ आई है, तो मैंने ये विड्थ जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये मैंने विड्थ ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद क्या आ गया है हाइट, हाइट कितनी रहेगी डी बाई सिक्स, यानी 6 से 20/6 डिवाइड करिए 3 point something आ जाएगी, और मैंने इसकी ये हाइट ले लिए, ये हाइट आ गई और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया है, ये आ गया डी बाई फोर और ये आ गया आपका डी बाई सिक्स। अब इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है 1.5d, यानी 20 का 1.5d, या ये 2d तक ले सकते हैं, यानी 20 इंटू 2d, यानी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 इंटू डी कितना है 20, यानी 40 mm, यानी के 4 cm, 4 cm लेंथ यहां पर लीजिए, ये काट कर दीजिए, इसके पैरेलल यहां पर ये ड्रॉ कर दिया। देखिए ये आपकी आयताकार क्रॉस सेक्शन में पैरेलल संख्या बन गई है। अब हमने क्या बनाना है यहां पर दूसरी वाली, ये तो वर्गाकार है आयताकार में बन गई, अब वर्गाकार में बनाते हैं। तो वर्गाकार के लिए क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, अगर ये काट वर्गाकार है, वर्गाकार में क्या होता है एवरी साइड विल बी इक्वल, यानी ईच साइड विल बी इक्वल, प्रत्येक साइड बराबर होती है, लेंथ जो होगी हमारी वो सेम रहेगी, यानी कि विड्थ क्या हो जाएगी डी बाई टू डी बाई फोर,
सॉरी, और हाइट कितनी हो जाएगी, ये भी डी बाई फोर रहेगी। तब हम बना लेते हैं यहां पर डी बाई फोर, यानी कि वही 5 ले लेंगे, 5 mm। इसको कैसे बनाते हैं, ये 30 डिग्री पर हमने यहां पर क्या करेंगे, एक लाइन खींच लीजिए, उसे 30 डिग्री पर आप यहां पर कोई लाइन खींच लीजिए, उस पर 30 डिग्री पर आपने क्या किया, ये 5 काट लिया, और इसकी इसके पैरेलल यहां पर हाइट ले लीजिए सीधा, कितना लेगा ये रहेगा, ये भी 5 रहेगा, तो ये भी हमने 5 काट लिया। यहां से फिर हम 5 लेंगे और फिर इसको मिला देंगे, तो ये कैसे आ गई हमारी, ये इसकी क्रॉस सेक्शन आ गई है। मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, उस पर 30 डिग्री पर मैंने एक लाइन खींच दी और इसको 5 mm ले लिया है, क्योंकि D कितना था 20 mm, 4 से डिवाइड किया 5 आ गया, और ये 5 की लाइन ड्रॉ कर दी हमने 30 डिग्री पर, और फिर यहां से परपेंडिकुलर ले लिया हमने एक 5 का, फिर ये 5, ये 5, ये इसकी की हमारे पास क्रॉस सेक्शन आ गई। लेंथ कितनी रहनी है इसमें, लेंथ सेम रहेगी 1.5D से 2D तक रहनी है इसकी की, तो हम क्या करते हैं इसको रफ कर देता हूं मैं थोड़ा सा यहां पर, और कितना है हमारा लेंथ 40 mm, यहां पर फिर 30 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहां पर 30 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पर काट लीजिए आप 40 mm, और ये काट लिया आपने, और फिर इसी के पैरेलल जहां पर आपने ये मिलाया था परपेंडिकुलर रहेगा यहां पर, ये सपोज यहां पर जो है हमारा 40 mm आ गया, और इसके पैरेलल यहां पर ये काट लीजिए, ये आपकी स्क्वायर की बन जाती है। स्क्वायर पैरेलल संख्या दो प्रकार की हो सकती है, क्रॉस सेक्शन एरिया उनका पैरेलल भी हो, ये वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। अब दूसरी हमारी टेपर संख्या, यहां पर क्या है, ऊपर वाले फेस में कोई टेपर नहीं होता है, लेकिन जो टेपर संख्या होती है इसमें ऊपर टेपर होता है। साइज आपका यही हो सकता है दोनों में से कोई सा भी, या तो हो जाए या तो ये आयताकार सेक्शन का या ये वर्गाकार सेक्शन का, लेकिन इसके अपर फेस में क्या होता है, टेपर होता है। जैसे मैं यहां पर एक की बना देता हूं, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, फिर इसे 30 डिग्री पर यहां पर आप मेजर करके 30 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मैं डी यहां पर मान लेता हूं, डी इज इक्वल टू 30, ठीक है, मैंने डी आपके बाद क्या मानना है 30 माना है। तब आप क्या करेंगे, विड्थ कितनी हो जाएगी, डी बाई फोर यानी 7.5 आ जाएगी, तो मैं यहां पर 7.5 मैंने काट लिया है, ये काट लिया है, ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी, डी बाई 6 यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगी, ये मैंने 5 ले लिया इसके परपेंडिकुलर, ये 5 आ गया और 5 ही यहां से ऊपर रहेगा, और इसको यहां पर मिला देंगे, ठीक है, ये इसकी क्रॉस सेक्शन आ गई, लेकिन ये सेम बन रहा है क्योंकि D by, हमने क्या लिया यहां पर, W कितना लिया, D by 4 लिया, ठीक है, और हाइट कितना लिया है, D by 6 लिया है। अब इसकी लेंथ कितनी रहेगी, लेंथ ये रहेगी 1.5D से 2D, 2D यानी 60 mm, तो मैं यहां पर एक अगेन क्या करता हूं, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है, और कितना 60 mm काट लिया है, ये 60 mm यहां पर मैंने काट लिया है। इस की का लोअर फेस जो है वो फ्लैट ही रहना है, यानी जैसे यहां पर था फ्लैट, लेकिन इसमें क्या होता है टेपर, अपर फेस में जो होता है वो टेपर, ठीक है, तो लोअर फेस में इसके मैंने बताया कोई टेपर नहीं रहता है, लेकिन इसके अपर फेस में क्या होता है टेपर होता है। ये टेपर कितना होता है, टेपर होता है इसका 1:100 का इसमें टेपर होता है, यानी अगर इसकी 100 mm लंबाई है तो इसमें 1 mm का टेपर होगा। अब इसकी लंबाई कितनी है, आप ये देखिए लंबाई है इसकी टोटल 60 mm, यहां पर क्या हुआ 100 mm में टेपर कितना है 1 mm का, 60 mm में कितने का हो जाएगा 60/100 यानी 0.6 mm का यहां पर
क्या हो जाएगा, टेपर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.60 mm का टेपर हमने यहाँ रखना है, यानी कि इसको थोड़ा सा डाउन रखना है। हाइट कितनी है इसकी, यहाँ पर 5 ली हमने, तो ये 5 से 0.6 कम कर देंगे, 0.6 यहाँ पर हमने कम कर दिया, और इसको हमने यहाँ पर मिला देते हैं। इसी तरह से इसको आगे की ओर, ये वाला फेस, और ये वाला, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ये आपकी की बनकर तैयार हो जाती है। इसी तरह से आपको रेक्टेंगुलर की बनानी है, जिसमें हमें यही टेपर रखना है, यानी टेपर कितना रहेगा, 1:100 का यहाँ पर टेपर रहना है। दोस्तों उम्मीद है समझ में आएगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो मुझे व्हाट्सएप जरूर करें।